Hey everyone, welcome to my channel. और आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं वर्कआउट की वीडियो. तो पहले मैंने जितनी भी वर्कआउट वीडियो शूट करी है तो वो मैं अकेले ऐसे समझाता था और वर्कआउट करता था. तो बेटर है कि अब मतलब इतने सालों में मैं पहली बार मतलब किसी पार्टनर के साथ वर्कआउट कर रहा हूँ और इसका काफ़ी पॉजिटिव इम्पैक्ट भी पड़ता है. तो हम आज करेंगे बैक और बाइसेप्स का वर्कआउट. हमारे साथ हमारे फ्रेंड है लवित और हम लोग साथ में वर्कआउट कर रहे हैं. अभी लवित की ट्रांसफॉर्मेशन चल रही है और मैं भी कोशिश कर रहा हूँ करने का. तो हम लोग साथ में करेंगे वर्कआउट. बहुत दिनों से कर भी रहे हैं, 3 महीने से. इनकी ट्रांसफॉर्मेशन की वीडियो मैं आपको अपलोड करूंगा और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा. वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा. चैनल ग्रो ना होने का रीज़न ये भी है कि हमारी जो ऑडियंस है वीडियो तो देखती है पर लाइक नहीं करती है. तो आप लाइक ज़रूर कीजिएगा वीडियो को. बैक में जैसे कि हम लोग थोड़ा बहुत तो वार्म अप किए हैं बट अभी हम लोग पुलअप से स्टार्ट करेंगे. 3 से 4 सेट पुलअप लगाएंगे, उसके बाद सीधे कंपाउंड डेडलिफ्ट पे जाएंगे. तो ठीक है, अब आप सुमो लगाते हो या कन्वेंशनल, लेकिन अगर आपका गोल पावर लिफ्टिंग नहीं है तो आप ट्राई करो कि कन्वेंशनल ही लगाओ. बट आज लवित के साथ करना, लवित के बैक में थोड़ा सा इंजरी रह रहा अभी क्योंकि पिछले बार इसका जो गैप हुआ था वो इंजरी की वजह से ही हुआ था. तो हम करेंगे आज थोड़ा लाइट वेट से वार्म अप और बाद में देखते हैं जितना वेट लग पाता है. आपके सामने 4 से 6 सेट मारेंगे. ऐसा कुछ नहीं होता है कि मतलब 4 सेट ही करना है. अगर लगता है कि थोड़ा पुश कर सकते हैं तो 6 सेट भी लगाएंगे. और कभी भी आप जैसे कि ये फ्लोर होता है तो आप फ्लोर से ऊपर का जो लेवल होता है ना उस पर लगा के डेडलिफ्ट ना करो. आप एकदम जमीन पर रख के डेडलिफ्ट करो क्योंकि उससे आपका जो लास्ट पोर्शन होता है ना मसल का वो हिट नहीं हो पाता है. जहाँ से आप पूरा हिट करोगे अपने पूरे कंपाउंड मूव्स में पूरे मसल को. तो वार्म अप सेट लगाते हैं, कोशिश करेंगे 20 रिपीटेशन की मसल सबसे सब वार्म हो जाए. मैं भी कन्वेंशनल ही लगा रहा हूँ आज क्योंकि साथ में वर्कआउट कर रहा हूँ तो ऐसे में सुमो का प्रैक्टिस कर रहा हूँ. रिपीटेशन कंप्लीट हुआ, ये वार्म अप सेट था. इसके बाद सीधे हैवी लगाएंगे. जैसे जैसे 6 सेट लगाते हैं आपको दिखाएंगे. अभी लविंग की बारी है, 20 सेट कंप्लीट कर रहा हूँ. चलो
जितना आपका वन रेप मैक्स से आता है, जैसे कि मेरा वन रेप मैक्स 200 से आता है, तो मैं ये पहला वर्कआउट इसलिए पूरा नहीं खा रहा हूँ क्योंकि कंपाउंड मूवी आपके बॉडी को बिल्ड करता है। तो ये मैं पूरा नहीं खाऊंगा, इसके बाद बस एक एक सेट सारे वर्कआउट का दिखाऊंगा जो भी करता हूँ। तो इसमें हमने 150 से मेरा वाला था 8 रेप, अभी 170 से 4 रेप का टारगेट रहेगा, और जब हैवी कम्प्लीट होता है तो उसके बाद थोड़ा सा वेट निकाल के रिपीटेशन फिर से बढ़ाएंगे 12-10 करके। तो ये हमारा थर्ड सेट है, मे बी 4-5 सेट में खत्म हो जाए, तो इसका टारगेट रहेगा 4 रेप। और वहाँ पे जो नीचे पैड लगा होता है ना, इतना वेट उठाना हो बस वो इतने ऊपर होने से ही वेट काफ़ी ईजी हो जाता है, और अगर नीचे रख दिया जाए तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। तो इससे ट्राई करते हैं 4 रेप 170 किलो से। कराने लगते हैं
पूरा रख लेना सर, फिर पूरा नीचे बहुत बढ़िया। ये भी कंपाउंड मूव है, तो सारे कंपाउंड मूव को मिला के वर्कआउट करते हैं। ऐसे थोड़ा बहुत केवल से वर्कआउट कभी कभी करते हैं, बट अभी हमारे कैमरामैन बाहर किया है तो डम्बल से भी बाहर रहकर वीडियो बना रहे हैं। और मूव है इसका भी 4 सेट करेंगे, इसके बाद 3-3 सेट करके निपटा देंगे। यही तीनों में जितना जान लगना है बैठ में लग जाता है। इसमें भी थोड़ा सा स्लो निगेटिव है, एक दो तीन चार 17 18 19 लास्ट 20। सीटेड रोइंग होगा और कंपाउंड मूव में तो रेस्ट भी ज्यादा था और मतलब रेपिटेशन भी लिमिटेड 10-12 तक 15 तक था। लेकिन जब भी हम आइसोलेट मूव पे आते हैं ना कंपाउंड के बाद, तो ज़रूरत होती है बहुत ज़्यादा वेट तो इसमें लगेगा नहीं तो रेपिटेशन को बढ़ाने का। तो हम ये इसका 3 सेट कर रहे हैं, ये लास्ट सेट है और इसमें हम करेंगे ड्रॉप सेट। ड्रॉप भी खुद ही से करना है, थोड़ा सा 10-15 सेकेंड का रेस्ट चलेगा बट उससे ज़्यादा नहीं। तो ड्रॉप करके लास्ट सेट ये मारते हैं। हाई रेपिटेशन मारने के बाद ना अजीब ज़्यादा होना, वो फील ऐसा आता है ना कि ख़त्म हो गया। आवाज़ तो लेट हो गया, पहला वीडियो में थोड़ा दिक्कत भी हुआ बनाने में। तो बाइसेप्स की वर्कआउट आपको बाद में दिखाते हैं, मेरा हमारा बैक का वर्कआउट लवित का बाकी एक सेट वो कंप्लीट करते हैं। उसके बाद मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा वीडियो अच्छी लगी हो तो, या फिर कुछ सजेशन देना हो जिससे मैं अपने वीडियो को इम्प्रूव कर सकता हूँ या फिर आप लोगों का कुछ हेल्प कर सकता हूँ तो वो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा है।